तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र ट्रेलर 2 के बारे में, जिसके ऊपर दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट्स और रूमर्स निकल कर आई है। और दोस्तों इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्या एक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मास्त्र 1 के बारे में। तो काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ वाली फिल्म थी ये, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोगों को बिल्कुल बकवास भी लगी थी। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी थी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। लास्ट में ब्रह्मास्त्र 1 में हमें ये देखने को मिला था एक परछाई, यानी कि एक नया कैरेक्टर, यानी कि ब्रह्मदेव का कैरेक्टर। और दोस्तों वो कैरेक्टर कौन प्ले करेगा इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रही है। सब ने ये अज्यूम कर लिया था कि रणवीर सिंह इस कैरेक्टर को निभाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन भी इस किरदार को प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों अभी तक ऑफिशियल प्रोडक्शन हाउस से कोई कंफर्मेशन नहीं है कास्टिंग के बारे में कि किसे कास्ट किया जाएगा इस कैरेक्टर को लेकर। लेकिन दोस्तों फिर भी ये चीज़ की लोग ऑलरेडी कंफर्मेशन मान चुके हैं कि रणवीर सिंह ही होने वाले हैं, ऋतिक रोशन नहीं। लेकिन दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि ये सारी झूठी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अभी तक इस फिल्म के कास्ट भी नहीं किया गया है पार्ट 2 के लिए, और दोस्तों इस फिल्म को अभी कास्ट किया भी नहीं जाएगा पार्ट 2 के लिए। थोड़ा डिले होगा इस फिल्म को दूसरे पार्ट के लिए कास्ट करने में, क्योंकि दोस्तों अभी रणवीर कपूर और साथ ही साथ आलिया भट्ट दोनों ही अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। इस वजह से दोस्तों अभी इस फिल्म की बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाले प्रोडक्शन हाउस। तो दोस्तों 2023 तक शायद इस फिल्म की कास्टिंग स्टार्ट हो सकती है एंड में जाकर, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों जो भी अफवाह आप सुन रहे हैं सारी गलत है। दोस्तों बात करें इस फिल्म के ट्रेलर और रिलीज़ के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर भी अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। इसे ट्रेलर को रिलीज़ किया जाएगा 2025 में, ऐसा सुनने को मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि इस फिल्म को जैसा कि मैंने बताया रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की वजह से अब डिले किया जाएगा, क्योंकि उनको अभी रिसेंटली बेबी हुआ है और दोस्तों इस वजह से इस फिल्म को डिले किया जाएगा। पहले बात थी कि इस फिल्म को 2024 के स्टार्ट तक रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन दोस्तों अब ये कंफर्मेशन आई है कि इस फिल्म को 2025 तक ही रिलीज़ किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों फिल्म बनने में भी करीब इसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लगने वाला है, जो कि 2023 से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है देव का कैरेक्टर किसे प्ले करना चाहिए ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।